जिस नस्बत से ये महफिल सजाई गई है वो इस महीने की नस्बत से शुबानुल मुअज्जम की बाबरकत कड़ियाँ जो कि चंद दिन गुजर चुके हैं और चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, उस नस्बत से ये महफिल सजाई गई है। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें आइंदा साल भी इस शबानुल मुअज्जम की ये बाबरकत घड़ियां, ये लम्हात जो कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात नज़ूल फरमाती है समेटने की तौफीक अता फरमावे और हम सबको लंबी उम्र अता फरमावे कि हम अल्लाह और उसके दिए हुए महबूब के फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दामन में समेटते रहें, सरकार हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों ये शबानुल मुअज्जम वो अजीम वो बरकत वाला महीना है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रजबुल मुरज्जब एक ऐसा महीना है जो अगले महीने की इतला देता है, खुशखबरी देता है। शबानुल मुअज्जम एक ऐसा अजीम महीना है, ऐसा बरकत वाला महीना है जो रमज़ान मुबारक के बराबर है। तो दोस्तों ये शबानुल मुअज्जम मेरे करीम पाक का यह फरमान है कि शबानुल मुअज्जम मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक अल्लाह का महीना है। हर चीज़ को किसी ना किसी वजह से नस्बत मिली है, किसी ना किसी वजह से बरतरी हासिल है, जैसा कि इंसान को इंसान पर है, हवान को हवान पर है, दिन को दिन पर है, रात को रात पर है, महीने को महीने पर है, साल को साल पर है, सदी को सदी पर है, टाइम को टाइम पर है, नबी को नबी पर है, उम्मत को उम्मत पर है,